जी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर सैयद कलीम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास सैन एंटोनियो यूनाइटेड स्टेट। आज हम रिव्यू करेंगे चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपने चूंकि स्टडी कर लिया, लेट्स गो थ्रू इट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रांच दैट डील्स विद एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स? Anatomy, mycology, teratology, endocrinology. Branch that deals with abnormal development, जिसमें कोई चीज सही तरीके से नहीं बनी. That's right. So, teratology is the scientific study of congenital abnormalities and abnormal formations. जैसे बच्चे ये पिक्चर में देखें कि जैसे उसका राइट फुट जो है वो सही बना हुआ है, लेकिन आप देखें कि इसका जो लेफ्ट एंकल जॉइंट है और ये सही तरीके से ठीक नहीं है, बल्कि वो अंदर को भी चला गया है और फ्लेक्स भी हुआ है यहाँ पे। अगर एबनॉर्मल फॉर्मेशन या कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज को पढ़ना, तो उसको कहते हैं टेराटोलॉजी। Okay, question number 2. Which of the following syndromes leads to tallness, aggressiveness and metabolic defect? इनमें से कौन सी सिंड्रोम है जिसमें आप देख सकते हैं कि हाइट बहुत ज़्यादा होगी या अग्रेसिवनेस होती है और मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं? The options are Klinefelter syndrome, Turner syndrome, Jacob syndrome and XXY syndrome. तीन चीज़ें क्वेश्चन में उन्होंने पूछनी है, याद रख रहे बेटे। द ऑप्शन इज एक्स एक्स वाई सिंड्रोम। व्हाट इज एक्स एक्स वाई सिंड्रोम? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड एक्स एक्स वाई सिंड्रोम आर द सेम थिंग। सो व्हाट इज जैकब्स सिंड्रोम? इज एक्स वाई वाई। दिस इज व्हेन एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रेजेंट लीडिंग टू टॉलनेस एज वेल एज अदर सिम्टम्स। हमने यहाँ पे बात किसकी थी, एक्स एक्स वाई, उसमें जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स, एक्सरेज कैन कॉज एनवायरमेंटल एबनॉर्मलिटीज, ट्रू और फॉल्स? दैट्स ट्रू। आयोनाइजिंग रेडिएशन दैट इज एक्सरेज आर वेल नोन फॉर डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट ऑफ फीटस which can cause damage or changes to gene. जैसे प्रेग्नेंट वेमेन है, अगर वो एक्सरे का ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो वो क्या हो सकता है, उसका नुकसान माँ को तो होना ही होना है, बच्चे को भी हो सकता है। Let's just look at this example. X-ray and gamma rays cause breaks in DNA. Where is DNA? This is the DNA. और यहाँ पे क्या दिखाया गया, बेसिकली वो क्या चीज़ है, एक्सरेज हैं, तो क्या करेंगे, डीएनए को ब्रेक कर देंगे और वहाँ पे जो सेल हैं उनमें से किसी एक सेल में एक ऐसी चेंजेस कर देंगी जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इतनी ज़्यादा हो जाएगी वो ट्यूमर बन जाएगा, अपने आप को खाना शुरू कर देगा, दूसरे सेल को खाना शुरू कर देगा। सो एक्सरेज कैन लीड टू डैमेज चेंजेस इन द जीन्स एंड मे कॉज कैंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटीज causes nutritional deficiencies? किन की वजह से न्यूट्रल deficiencies हो सकती हैं? Inherited abnormalities, chromosomal abnormalities, environmental abnormalities या metabolic defects? The option is environmental abnormalities. Nutritional deficiencies such as lack of vitamins is an example of environmental abnormalities. आपने क्या करना बच्चे कि हर एक की आगे आगे एग्जांपल याद रख लेनी है, इनहेरिटेड क्या है, क्रोमोसोमल कौन सी है, मेटाबॉलिक कौन सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज शोन बिलो, हीमोफीलिया, माइक्रोसेफली, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑटिज्म? पिक्चर देखें, दोनों पिक्चर में डिफरेंस क्या है। अब देखो ये बच्चा, एक बच्चा है, उसका हेड दिखाया गया, अब इसके हेड साइज में इसके हेड साइज में क्या फर्क है, इसका हेड यहाँ तक होना चाहिए था, छोटा है, तो इसको क्या कहते हैं, माइक्रोसेफली। दैट्स करेक्ट,
Microcephaly is a condition in which a baby's head is significantly smaller than expected, often due to abnormal brain development. Obviously, बेटे जब ये brain ये इसका skull ही छोटा होगा, तो उसमें brain की development भी तो मुतासर हो सकती है. Hope you like it. Thanks for watching. Keep studying. You may comment, share with your friends. It's a good thing to share. If you want to attend live lecture, you can visit at City College Shahdara. Main campus is Jalal Center, or you can visit at Campus 2 Shahdara Station, and you can get more information by calling at this number. Take care. Study for yourself. Study for your country. Take care. Bye.